औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सामईन और नाज़रीन, मैं आज आपके लिए ऐसा तेल बना के लाया हूँ, वो नुस्खा, वो बेहतरीन नुस्खा जिससे बाल लंबे भी होते और मज़बूत भी होते, और इतना बनाने में आसान, तरकीब भी आसान, लेकिन रिज़ल्ट उसका ऐसा बेहतरीन रिज़ल्ट कि क्या याद करेंगे। ठीक है जी, तीर बहादुर और काम करने वाला तेल। ठीक है जी, वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां जिनके बाल झड़ते हैं, कमज़ोर होते हैं और लंबे नहीं होते, तो इंशाल्लाह ताला ये तेल बनाएं और इस्तेमाल करें और फिर रिज़ल्ट लें। ठीक है जी, नुस्खे की जाने बातें, नुस्खा बनाने में इतना आसान। तेल सरसों ले लें 100 ग्राम, तेल रोगन नारियल ले लें 100 ग्राम, रोगन आमला ले लें 50 ग्राम, और फिर उसमें अरंड का तेल ले लें 50 ग्राम, फिर उसमें क्या करना है आपने, रोगन संदल 20 ग्राम, ठीक है ना, रोगन हिना, मेहंदी का जो उस रोगन हिना बोलते वो भी 20 ग्राम। ठीक है जनाब, और इसमें फिर आपने क्या करना है कि रतन जोत एक मिलती है 10 ग्राम, वो इसमें ऐसे लकड़ी नुमा होती है, वो भी आपने इसमें डाल देनी है, और रोगन आमला जो है, रोगन आमला वो भी 50 ग्राम डाल लें। तो ये सारे रोगन मिला के और ये रतन जो 10 ग्राम थोड़ा थोड़ा कूट के उसमें जिस बर्तन में डाला है, तो ये शीशे वाले का बर्तमान टाइप हो, शीशे का बर्तन हो, उसमें आपने रतन जो डाल के ढक्कन बंद करके धूप में लटका देना है या रख देना है, सुबह से शाम तक धूप में पड़े, 2-3 दिन के बाद इसको हिला दें, 1 दिन और रख दें, 4 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। ये तेल तैयार है। ठीक है जी, और देखें फिर इसका कितना बेहतरीन रिज़ल्ट होता है, इतना बेहतरीन रिज़ल्ट कि आपकी सोच से ज़्यादा, बाल लंबे भी होंगे और बाल घने भी होंगे और मज़बूत भी होंगे, बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये जनाब मेरे व्यूवर्स, मेरे सामईन, इसको बनाएं, तो एक तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और दूसरा इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़।